हेलो, आज हम एक ऐसी डेजर्ट बनाएंगे जो देखने में तो लाजवाब है ही, खाने में उससे भी बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं इसकी हर एक स्टेप को कैसे मैंने बनाया। वीडियो को स्किप मत करना, टोटल देखना, बहुत बढ़िया बनता है। तो स्टेप वन में हम करेंगे व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने एक बोल में कुछ बर्फ ले लिया है एंड इसके ऊपर मैं एक बोल रख रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ था एक घंटा। तो इसके ऊपर मैं करीबन 200 ml व्हिपिंग क्रीम दे रही हूँ एंड इसको 6 to 7 minutes बीट करना है। बहुत ज़्यादा हमको स्टिफ पिक नहीं चाहिए, सॉफ्ट पिक होगा तो भी चलेगा। तो मैंने इसको 7 minutes फुल स्पीड में बीट किया है एंड ये क्रीम बन के तैयार हो गया। एंड इसको अभी हम एक ग्लास में लेंगे एंड ग्लास में एक पाइपिंग बैग लेके उसके अंदर पे क्रीम को डाल के इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे कुछ बाकी स्टेप जब तक प्रिपेयर हो रहा तब तक के लिए। एंड ये क्रीम भी थोड़ा सा सेट हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में। ये स्टेप बहुत ही आसान है। इस पे जस्ट एक पैकेट हम ओरियो बिस्किट लेंगे, ब्लेंडर में इसको छोटा छोटा ऐसे टुकड़ा करके दे देंगे एंड इसको हम चूड़ा बना लेंगे। एंड चूड़ा बनाने के बाद इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड इसको अभी रखते हैं साइड में एंड चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हम बहुत ही ईजी एक केक की मैं रेसिपी बताऊँगी आपको। आप चाहो तो कोई दूसरा केक भी ले सकते हो, कोई भी केक आपके पसंद का, बट मैं आज कर रही हूँ ओरियो केक। उसके लिए एक बड़ा पैकेट ओरियो बिस्कुट को मैंने ऐसे चूड़ा बना लिया एंड इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया एंड इस पे मैंने डाला है जस्ट 1 tablespoon पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। एंड ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे, सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को। एंड इसके बाद 1/2 cup मिल्क हम इस पर ऐड करेंगे एंड एक बार में पूरा मिल्क नहीं दे देना है, धीरे धीरे 3 या 4 बार में आप देना 1/2 cup मिल्क एंड बहुत अच्छे तरह से इस बैटर को करना स्मूथ टेक्सचर में। अब एक मोल्ड हमने प्रिपेयर करके रखा था उस पर सारा ये जो बैटर है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। एंड इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने नमक एंड एक स्टैंड देके 5 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था, उस पर दे उसको इस बैटर को रख देंगे एंड विद इन 30 मिनट्स ये केक परफेक्टली बन के तैयार हो जाता है। एक टूथपिक या नाइफ से आप चेक कर लेना एंड एकदम ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। ठंडा जब हो जाए साइड से थोड़ा सा चाकू से ऐसे हम एक बार चला लेंगे, बट ऐसे तो खुद ही निकल जाता है साइड से। एंड इसके बाद हम डीमोल्ड कर देंगे एंड इसके बाद हम इसको ये केक को जो है बहुत सॉफ्ट बनता है इस मैंने जिस प्रोसेस में बताया आप उस प्रोसेस फॉलो करके इसको करना, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह बनता है। एंड इस केक को भी हम छोटा पीस करके इसको छोटा छोटा चूड़ा की तरह ही ऑलमोस्ट बना लेंगे एंड इसको बनाने के बाद इसको हम रखते हैं साइड पे। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 4 पे जो कि है एकदम आखिरी स्टेप। एंड इसके लिए जो डेजर्ट मैंने प्रिपेयर किया था आप देखे ही होंगे, एकदम फर्स्ट में जो मैंने पिक्चर ऐड किया था वो एक कप का था, तो उसके लिए हम वो कप प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा चॉकलेट हम ले लेंगे, आप कोई भी डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लिया है एंड दोनों साइज़ का कप्स मैंने ले लिया है। एक प्लास्टिक का ये जो कप्स होता है इसके ऊपर का पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए इसको मैंने निकाल दिया एंड आप कोई भी कप ले सकते हो। एंड छोटा जो कप है दोनों का ही साइड पर मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया। एंड इसके बाद एक बोल में बहुत गर्म पानी लेंगे एकदम उबलता हुआ एंड उसके ऊपर ये जो चॉकलेट हमने पीस करके रखा था उसको बिठा देंगे एंड ये वेपर से ये चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, एकदम विद इन 5 मिनट्स मेल्ट हो जाता है। फिर ये जो कप हमने लिया था जिसके कट लगाया था उस पर हम इस चॉकलेट को 1 या 2 स्पून देंगे, जितना कप का जो साइज़ है उस हिसाब से देना। एंड ऐसे हम नीचे की तरफ उसका मुंह करके उसको ऐसे रोल करेंगे तो फिर अंदर से पूरा ही ये चॉकलेट एकदम कोट हो जाएगा। एंड इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे फॉर 5 मिनट्स, सेमी सेट हो जाए उसके लिए रखना है। एंड उसके बाद हम सेम प्रोसेस में इसका डबल कोट करेंगे। डबल कोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चॉकलेट को डबल कोट नहीं करोगे तो जब डीमोल्ड करोगे उस टाइम पे ये टूट सकता है, तो इसलिए दोनों कप को ही मैंने ऐसे जस्ट सिंगल अभी कोट किया। 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो ये सेमी सेट हो गया है, अब हम डबल कोट करेंगे एंड इसे काफ़ी अच्छा होता है कप, खाने में भी टेस्टी ज़्यादा बनता है, तो ये ज़रूर करना, सिंगल कोट कभी मत करना, बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है।
ठीक है। तो इसको करीबन हाफ एन आवर के बाद मैं निकल रही हूँ रेफ्रिजरेटर से, एंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गया। तो मैंने काफ़ी सारे कप्स बनाए हैं, ये बड़ा वाला कप है एंड बाकी छोटा छोटा मैंने बनाया। आप कोई भी साइज़ का जो आपको अच्छा लगे उस तरह से बना सकते हो। एंड अब चलते हैं असेंबल करने की प्रोसेस में। तो जो मैंने क्रीम रखा था पाइपिंग बैग में, उस पाइपिंग बैग का मैं कैसे काट लेती हूँ, नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम एक कप लेंगे, उसके अंदर भी जो केक को हमने छोटा छोटा ऐसे एकदम चूड़ा की तरह बना के रखा था उसको थोड़ा सा दे देंगे। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेयर करेंगे क्रीम का। तो इस टाइम पे स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो गया है वीडियो, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो बट ये क्रीम का लेयर है एंड इसके ऊपर मैं ओरियो का जो चूड़ा था, बिस्किट का जो चूड़ा बनाया था वो दे देंगे, ठीक है। तो अब जितना बड़े साइज़ का कप बनाओगे उस हिसाब से आप इसको लेयरिंग ऐसे करते जाना। फिर ऊपर पे आप कोई भी फ्लावर या ऐसे मिंट लीव्स कुछ भी दे सकते हो। तो मेरे पास एक चेरी था जिसको मैंने टूथपिक पे ऐसे लगाया एंड इसको यहाँ से रख दिया। तो आप स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हो या कोई भी फ्लावर जो आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी लगाओ, देखने में बढ़िया लगता है। ज़रूर इसको बनाना, खाने में तो बहुत ही टेस्टफुल है। एंड ये जो छोटे कप हैं इसका मेनली केक का एक लेयर, क्रीम का एक लेयर एंड ऊपर में ओरियो बिस्किट का ऐसे लेयर्स हुआ था, ठीक है। बट जो बड़े कप है उसको भी मैंने कट करके आपको दिखाया है। उस पर आप देखोगे कि टू लेयर्स था केक का, क्रीम का भी टू लेयर्स था, ऊपर पे ओरियो बिस्किट का लेयर था। तो आप अपने पसंद से कोई भी लेयर एक्सचेंज कर सकते हो, आपकी आप कोई भी केक यूज़ कर सकते हो, आपके मनपसंद हिसाब से आप असेंबल कर सकते हो। बट इसको ट्राई ज़रूर करना एक बार एंड मेरे साथ शेयर करना कि आपको कैसा लगा। एंड चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।